हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है 8 मार्क्स का। तो अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ चैप्टर्स के लिए भी आप इंडिविजुअल चैप्टर के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, फोल्डर बना रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड है, और बेस थ्योरम अगर आपका क्लियर नहीं है तो वीडियो के साथ बने रहें, मैं यहीं से ही क्लियर कर दूँगा कि बेस थ्योरम क्या होती है। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। देखें क्या है ये। अब यार, आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक ही बात बोलता हूँ कि लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो क्वेश्चन लगाने में मज़ा नहीं आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा भी नहीं। मज़ा तो बहुत दूर की बात है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है। अ मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स। He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. अब जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती वो यही कहते हैं कि सर इसमें तो एक ही बात को घुमा घुमा के वही बात कह रहा है कि इट इज़ अ 6, इट इज़ एक्चुअली अ 6। थोड़ा फोकस करिए, समझिए इसको ध्यान से। देखिए क्या है, उसने बोला है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ। एक कोई बंदा ट्रुथ कब बोलेगा, जब वो किसी डाई को थ्रो करेगा और रिपोर्टिंग देगा 6 के बारे में। किसके बारे में? 6 के बारे में। और अगर उस पर 6 आ रहा है एक्चुअल में तो वो क्या बोलेगा? ट्रुथ बोलेगा। और 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तब वो ट्रुथ नहीं बोलेगा। अब वो बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, मतलब एक्चुअल में 6 आना चाहिए, इसका मतलब वो ट्रुथ बोलना चाहिए। तो उसके ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब बोलोगे ट्रुथ बोलने की तो ये है, लेकिन भाई ये तब है ना कि जब ढाई के ऊपर क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 नहीं आएगा तो ट्रुथ नहीं बोलेगा। तो ट्रुथ बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो आपको बताना है एक्चुअल में ट्रुथ अगर वो बोले या एक्चुअल में ढाई के ऊपर 6 आए, तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेस थ्योरम की कंडीशन भी तो यही कहती है कि पहले आपको 2 इवेंट्स दी गई होंगी अलग अलग, फिर उन 2 इवेंट्स के अकॉर्डिंग 2 इवेंट्स और दी गई होंगी। देखो इसमें पहला इवेंट क्या है, देखो डाई को थ्रो करोगे आप तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, एक बार और लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना। देखिए इवन क्या है, 6 अकर्स ऑन डाई, 6 अकर्स ऑन डाई। और ई टू क्या है, 6 does not occur on die। तो probability of even कितना हो गया, अगर 6 आता है die के ऊपर तो probability होगी 1/6, और 6 नहीं आता है die के ऊपर तो कितनी होगी, 5/6, right? अब ये तो तुम्हारी 2 कंडीशन हो गई। अब डाई के अकॉर्डिंग वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए कोई इवेंट ए ले लीजिए। ए क्या है, अ मैन रिपोर्ट्स, एक बंदा रिपोर्ट्स करेगा, अ मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6, 6 के बारे में बताएगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बंदा रिपोर्टिंग करे और कंडीशन ये वाली हो डाई की कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन रिपोर्ट्स दैट अ 6 एंड इट हैज़ एक्चुअली अ 6, इट हैज़ एक्चुअली अ 6। एक बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है कि डाई के ऊपर 6 के बारे में, ऑब्जर्व कर रहा है कि आएगा नहीं आएगा, और कंडीशन ये है कि एक्चुअल में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि वो बंदा क्या बोल रहा है, स्पीक ट्रुथ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो
सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्चुअल में सिक्स नहीं आ रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या रिपोर्ट कर रहा है? सिक्स को, और एक्चुअल में सिक्स अगर नहीं हो रहा है सेकंड वाले से देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वन में से सिक्स के होने की प्रोबेबिलिटी या ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/4। कारी भाषा में तो बेस थ्योरम में क्या होता है कि आपको कंडीशंस को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ई1 क्या है, ई2 क्या है। तो ई1 इसके अंदर है कि एक्चुअल में सिक्स आएगा, और ई2 क्या है कि एक्चुअल में सिक्स नहीं आएगा। और सिक्स आएगा तो क्या होगा? वो ट्रुथ बोलेगा। और सिक्स नहीं आएगा तो क्या होगा? ट्रुथ नहीं बोलेगा। तो नहीं बोलने की वन में से क्या कर दीजिए? आप माइनस कर दीजिए। अब उसने पूछा है कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए? सिक्स आना चाहिए। तो देखें, एक्चुअल में सिक्स आना चाहिए तो ई वन ही तो है, और एक्चुअल में सिक्स आए और वो क्या बोले? ट्रुथ बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप ऊपर लिखेंगे पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, और टोटल प्रोबेबिलिटी किधर लिख देंगे? नीचे लिख देंगे सिक्स आने की या सच बोलने की, और सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी को आप एक साथ लिख देंगे यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी को। क्लियर? यह है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। क्या होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला? जो भी कंडीशन आपसे पूछी है कि एक्चुअली या सिक्स, उसको ऊपर रखिए, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी को नीचे रखिए। अब बताइए जरा पी ऑफ ई1 कितना है? 1/6। ए अपॉन ई1 कितना है? 3/4। तो ये तो नीचे ऐसे रहेगा, 1/6 इंटू 3/4 प्लस पी ऑफ ई2 कितना है? 5/6 इंटू 1/4। इसको आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं इसको, स्पेस नहीं है यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। देखिए कितना हो जाएगा ये? 1/6 इंटू 3/4। 1/6 ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा? 3/4 प्लस 5 इंटू 1/4। 1/6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 5/6 है तो 1/6 बाहर ले लिया मैंने, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4 प्लस 5/4, तो ये हो गया 3/4, 5 और 3 8/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 3/8। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/8 आएगा। तो इस तरह से आप लैंग्वेज पर कमांड करिए, क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई करिए कि कौन सी बात कहाँ कहना चाह रहा है। बढ़ रहे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।